सबसे बड़े के मान का त्याग है। और पूछा कि अपने से पूछो कि स्वयं सभी प्रकार का त्याग किया है। फिर बाबा ने कहा, जितना घड़ी त्याग करते हैं उसी घड़ी त्याग उसके रिटर्न में उसको मिलता है। तो संगम युग में जो त्याग का बड़े से बड़ा भाग स्वयं भाग्य विधाता आपका बन जाता है। फिर बाबा ने कहा, जो स्मृति में रहने से हर सेकंड के लिए बाप से सर्व शक्तियों का अपने साथ अनुभव। तो फिर भाग्य की बात बताई, जो संकल्प बस स्वप्नों में भी वे प्राप्ति हो जाए इसको भाग्य है। स्वतः ही संभव से संभव हो जाता है, ना उम्मीदवार हो जाते हैं, माना सहजता से मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसको भाग्य कहा जाता है। और फिर बाबा ने माँ का उदाहरण दिया में कि माँ जो स्नेही के स्नेह त्याग की कोई बड़ी बात नहीं होती, तो कि बाप के स्नेह में उल्टा देह अभिमान कर सकते, क्या ये बड़ी बड़ी बात है। माँ का उदाहरण दिया, जो अल्प देह का संबंध है, माँ मांस के लिए सब कुछ त्याग देती है, देह की त्याग देती है। अब यहाँ जो है सदा संबंध है, सर्व प्राप्ति का संबंध, यहाँ 1 सेकंड के त्याग में देरी भी नहीं करना। फिर बाबा ने सब, जैसे बच्चों ने कहा जो हमारा आधे कल्प की आदत, 36 वर्ष लगे हमारे को आधे कल्प की आदत बहन पड़ी हुई है देह, तो बाबा ने इसका काउंटर ओम पार्ट बताया, युगों तक निर्विकार शांति। ही तो रहे, स्थिति क्यों नहीं आती है। अब हम आगे, इसके आगे बाबा ने, ओम शांति। सोनिया बहन, आपका आवाज बीच में ब्रेक हो रहा है। आप थोड़ा सा नेटवर्क में या थोड़ा बाहर आकर मुरली पड़े। अभी आप अनम्यूट कीजिए, आपको म्यूट किया गया है। आत्मा का असली स्वरूप भी क्या है, आत्मा के निज असार वे गुण कौन से हैं। वही है बाप में है, जो बाप ज्ञान का सागर है, सुख का सागर, शांति का सागर है। वैसे पर आप स्वरूप तो हो, तो आत्मा के निजी गुण है तो है ना। तो बाबा ने, तो सागर है लेकिन आप उसका स्वरूप तो हो, वो आत्मा के निजी गुण है, शांत हो ना। यह तो संघ के परिवर्तन में आए हो, आप शांति में आ गए हो, लेकिन वास्तव आत्मा के स्वरूप का गुण है वह तो है ना। बाबा समझा रहे निजी गुण है वो बाप के समान है, बाप तो लेकिन आप जो है उस स्वरूप में हो। अभी तो संघ के रंग में आए हो लेकिन आप तो वही है, बाप के समान है। वह भी क्यों स्मृति में आना चाहिए। ऐसे ऐसे अपने से बात बाबा ने समझाया, बाबा ने क्वेश्चन किया, समान आपका स्वरूप है, फिर ऐसे से बातें करो, समझा। ऐसे बातें करते करते, रिहान करते करते रूहानियत में। अब बाबा ने तरीका बताया कि अपने आप से रूह रियान करो कि बाबा ऐसा है, बाबा शांति का सागर, सुखों का सागर, सुख का सागर है, तो मैं दुख, मैं अशांत क्यों हूँ। तो ऐसे ऐसे अपने से बातें करो तो रूह रियान करने से आ जाएंगे। यह भी नहीं सोचो, बाबा युक्ति बता, यह भी नहीं सोचो कि द्वापर में ये पुराने संस्कार है, इस यह नहीं सोचो। इसके बजाय सोचो कि मुझ आत्मा के संस्कार और अनादि संस्कार कौन से। अब आदि संस्कार जो है मैं, मेरे मैं पावन हूं, और अनादि भी ऊंचे ते ऊंची संस्कार भी कौन से हैं। ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ मैं हूं, तो मैं होलिएस्ट और अवस्था में हूँ, प्योर हूँ, उसी ओम शांति। के आदि में सातों गुणों। जी सोनिया बहन, आपका आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रहा है। आप अगर हेडफोन लगाए हैं तो निकाल दीजिए, हेडफोन या ब्लूटूथ कुछ होगा तो। अब ठीक है जी। हाँ जी। अच्छा जी।
तो बाबा ने कहा ऐसे ऐसे अपने से बातें करते करते अर्थात रूहानियत करते करते रूहानियत में स्थित हो जाएंगे। यह अभी नहीं सोचो कि द्वापर के ये पुराने संस्कार है इसलिए यह हो गया, यह नहीं सोचो। इसके बजाय यह सोचो कि मुझ आत्मा के आदि संस्कार और अनादि संस्कार कौन से हैं। सृष्टि के आदि में जब आत्माएं आई तो क्या संस्कार थे, सृष्टि के आदि में जब आत्माएं आई तो क्या संस्कार थे, दैवी संस्कार थे ना, माना सातों गुणों से संपन्न थी, सतो प्रधान थी, संपूर्ण निर्विकारी थी आत्माएं। तो बाबा ने कहा वह संस्कार सोचो। तो यह सोचो आदि में आत्मा के संस्कार और गुण कौन से थे, आदि में आत्मा के संस्कार और गुण कौन से थे, सभी गुणों से संपन्न थी, सोलह कला संपूर्ण थी। तो मध्य के को नहीं सोचो, अनादि और आदि संस्कारों को सोचो। तो क्या होगा कि मध्य के संस्कार बीच बीच में जो प्रज्वलित होते हैं वह मध्यम हो जाएंगे। अंडरलाइन करने की बात है, आदि और अनादि के संस्कारों को सोचो। बाबा हमारी सोच को परिवर्तन करते हैं कि अपने आदि और अनादि के संस्कारों को सोचो तो क्या होगा कि मध्य के संस्कार बीच बीच में जो प्रज्वलित होते हैं वह मध्यम हो जाएंगे। मध्यम ढीले को कहा जाता है, माना स्लो हो जाएंगे। कहते हैं ना इसकी चाल मध्यम है, बाबा उदाहरण दे रहे हैं कि कहते हैं इसकी चाल मध्यम है, स्लो है। तो मध्य के संस्कार मध्यम हो जाएंगे और जो अनादि और आदि संस्कार हैं वह प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देंगे। समझा, बाबा ने हमें ये समझाया कि हम अपने अनादि और आदि के संस्कार को प्रत्यक्ष रूप में हमें देखना है तो मध्यम के संस्कार को नहीं सोचना, हमें इन्हीं को इन्हीं का मनन चिंतन करना है कि हम मैं अनादि स्वरूप में और आदि स्वरूप में क्या थी। सदैव अनादि और आदि को ही सोचो, जैसे संकल्प करेंगे वैसे ही स्मृति रहेगी और जैसी स्मृति रहेगी वैसी ही समर्थी हर कर्म में आएगी। इसलिए स्मृति को सदैव श्रेष्ठ रखो। बाबा ने कहा जैसे संकल्प करेंगे वैसी ही स्मृति रहेगी, माने वैसी ही हमारी स्मृति रहेगी और जैसी स्मृति रहेगी वैसी ही समर्थी, वैसी ही हमें शक्ति आएगी, हर कर्म में आएगी समर्थि। इसलिए स्मृति को सदैव श्रेष्ठ रखो। तो अब क्या करेंगे, हर सेकंड के त्याग से हर सेकंड की प्राप्ति करते चलो। हर सेकंड में किस चीज का त्याग करना है, देहभान का त्याग। हर सेकंड के त्याग से हर सेकंड की प्राप्ति करते चलो, क्योंकि यही संगम युग है जो भाग्य प्राप्त करने का है। अभी जो भाग्य बनाया वह सारे कल्प में भोगना पड़ता है। तो बाबा ने कहा ये संगम युग प्राप्ति का युग है, यही भाग्य बनाने का युग है। अभी जो भाग्य बनाया वे सारे कल्प चलता है, सारे कल्प में भोगना पड़ता है, चाहे श्रेष्ठ चाहे नीच। लेकिन यह संगम युग ही है जिसमें भाग्य बना सकते हो, जितना चाहो उतना बना सकते हो, क्योंकि भाग्य बनाने वाला बाप साथ है। जितना चाहो उतना उतना बना सकते हो, क्योंकि भाग्य बनाने वाला भाग्य विदाता बाप साथ है। फिर यह बाप साथ नहीं रहेगा और न ही यह प्राप्ति रहेगी। माना संगमपुर संगम युग पर ही है, जमा की बैंक खुली है जिसमें बाबा साथ है, हम जमा का खाता इकट्ठा कर सकते हैं। तो अब हमें प्राप्ति कराने वाला भी साथ है। तो बाबा ने कहा फिर बाद में न यह बाप साथ रहेगा और न ही प्राप्ति रहेगी। प्राप्ति कराने वाला भी अब है और प्राप्ति भी अभी होनी है। फिर बाबा ने स्लोगन स्मृति में रखने को कहा, अब नहीं तो कब नहीं। यह स्लोगन स्मृति में रखो। ये मम्मा जो है इस स्लोगन को हमेशा मम्मा ये कहती थी कि अब नहीं तो कब नहीं, और मम्मा ने करके भी दिखाया प्रैक्टिकल। स्लोगन लिखे हुए तो रहते हैं ना, यह समझते हो कि यह स्लोगन हमारे लिए है। बाबा ने पूछा ये समझते हो कि यह स्लोगन हमारे लिए है। अगर सदैव यह स्मृति में रहे कि अब नहीं तो कब नहीं, तो फिर क्या करेंगे, सदैव सोचेंगे जो करना है तो अब कर लें। अंडरलाइन करनी है ये बात कि जो करना है अब कर लें। तो सदा
यह स्लोगन स्मृति में रखो। अपनी स्थिति को त्याग और सदा भाग्यशाली बनाने के लिए चेकिंग तो करनी है, लेकिन चेकिंग में भी मुख्य चेकिंग कौन सी करनी है? जिस चेकिंग करने से ऑटोमेटिकली चेंज आ जाए। बाबा ने कहा कि अपनी स्थिति को सदा त्याग और सदा भाग्यशाली बनाने के लिए चेकिंग तो करनी है आपने अपनी, लेकिन चेकिंग में भी मुख्य चेकिंग, अब एक चेकिंग तो है कि देह भान का त्याग करना है, बुद्धि के अभिमान का त्याग करना है, लेकिन यहाँ बाबा ने कहा चेकिंग में भी मुख्य चेकिंग कौन सी करनी है? जिस चेकिंग करने से ऑटोमेटिकली चेंज आ जाए। क्या चेकिंग करनी है? उसके लिए एक स्लोगन है, बाबा ने एक स्लोगन तो याद दिलाया, अब नहीं तो कब नहीं, और बाबा ने कहा क्या चेकिंग करनी है उसके लिए मुख्य एक स्लोगन है। वह स्लोगन कौन सा है जो बहुत बार सुनाया है? कम खर्च बाला नशी। अब कम खर्च बाला नशी कैसे बनना है? कम खर्च बाला नशी माना खर्चा भी कम हो और प्राप्ति भी श्रेष्ठ हो, कार्य भी श्रेष्ठ हो जाए। फिर बाबा ने कहा अब ऐसा कैसे बनना है, कम खर्च बाला नशी कैसे बनना है? वो लोग तो स्थूल धन में कम खर्च बाला नशी बनने का प्रयत्न करते हैं, माना मनुष्य जो है वो स्थूल धन में खर्चा कम करके और श्रेष्ठ प्राप्ति पाने की इच्छा रखते हैं, माना कार्य श्रेष्ठ हो जाए। लेकिन आप लोगों के लिए संगम युग में कितने प्रकार के खजाने हैं मालूम है? समय, संकल्प, श्वास तो है ही खजाना, लेकिन उसके साथ अविनाशी ज्ञान रत्न का खजाना भी है। समय, संकल्प, श्वास तो है ही खजाना, लेकिन उसके साथ अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना भी है, और पांचवा स्थूल खजाने से भी इसका संबंध है। तो बाबा ने हमें पांच खजाने बताए, समय, संकल्प और श्वास संगम युग पर, अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना, और पांचवा खजाना स्थूल खजाना से भी बाबा ने कहा इसका संबंध है। तो यह चेक करो, संकल्प के खजाने में भी कम खर्च बालानशी बने हैं? बाबा ने कहा संकल्प के खजाने में भी हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हम कम खर्च बालानशी बने हैं। ज्यादा खर्च नहीं करो, माना संकल्प भी बहुत प्रकार के हैं, व्यर्थ है, नेगेटिव है, तो ये सब हमें संकल्प भी ज्यादा नहीं लगाना है, साधारण संकल्प भी नहीं लगाने। अपने संकल्प के खजाने को व्यर्थ न गवाओ तो समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प होगा। अब बाबा उसकी प्राप्ति भी बता रहे हैं साथ साथ कि वह संकल्प का खजाना अगर हमने बचाया, उसको खजाने को व्यर्थ ना गवाया, तो क्या होगा? हमारा संकल्प जो है वो समर्थ शक्तिशाली होगा और श्रेष्ठ संकल्प होगा, सिद्ध होगा वो संकल्प। श्रेष्ठ संकल्प से प्राप्ति भी श्रेष्ठ होगी ना। ऐसा ही जो समय का खजाना है, दूसरा खजाना ले रहे हैं बाबा, कि जो समय का खजाना है संगम युग का, इस संगम युग के समय को अगर व्यर्थ न खर्च करो तो क्या होगा? अब उसकी प्राप्ति बता रहे कि संगम युग का समय हमने वेस्ट नहीं किया, व्यर्थ नहीं किया, तो क्या होगा? एक एक सेकंड में अनेक जन्मों की कमाई का साधन कर सकेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक एक सेकंड में अनेक जन्मों की कमाई का साधन कर सकेंगे, इसलिए यह समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। ऐसे ही अब तीसरा खजाना ले रहे हैं, श्वास का खजाना। ऐसे ही जो श्वास अर्थात हर श्वास में बाप की स्मृति रहे। अगर एक भी श्वास में बाप की याद नहीं तो समझो व्यर्थ गया। बहुत महीन चेकिंग की बात है कि हर श्वास में बाप की स्मृति रहे। अगर एक भी श्वास में बाप की याद नहीं तो समझो व्यर्थ गया। तो श्वास को भी व्यर्थ नहीं गंवाना। ऐसे ही अब चौथा खजाना ले रहे हैं, ज्ञान का खजाना जो है उसमें भी अगर खजाने को संभालना नहीं आता, मिला और खत्म कर दिया तो व्यर्थ चला गया। अब बाबा जो ये ज्ञान रतन दे रहे हैं, हमारी झोलियां भर रहे हैं, ये एक एक रतन लाखों रुपए का है, तो बाबा ने ये ज्ञान का खजाना कहा, इसको इसको भी व्यर्थ नहीं गंवाना।
इसको खत्म नहीं करना, मतलब मिला और खत्म कर दिया तो व्यर्थ चला गया, मनन नहीं किया ना। मनन के बाद उस खजाने से भी जो खुशी प्राप्ति होती, उस खुशी में स्थित रहने का अभ्यास नहीं किया तो व्यर्थ चला गया। अब बाबा ने कहा खजाने को कैसे यूज करेंगे, मनन करना है, मनन करना है, उसके बारे में चिंतन करना है, फिर मगन होना है। तीन अवस्थाएं होती है, मनन माना मन को उस खजाने में लगाना, और फिर चिंतन करना उसके बारे में, और फिर मगन हो जाना। बुद्धि बाबा से जुड़ी रहती है। मनन के बाद उस खजाने से जो खुशी की प्राप्ति होती है, उस खुशी में स्थित रहने का अभ्यास नहीं किया तो व्यर्थ चला गया। जैसे भोजन किया, हजम करने की शक्ति नहीं तो व्यर्थ जाता है ना, इसी प्रकार यह ज्ञान के खजाने आपके प्रति व दूसरे आत्माओं को दान देने के प्रति न लगाया तो व्यर्थ गया ना। तो बाबा ने कहा कि खजानों को कैसे इसको इसको इस्तेमाल करना है, इसको दूसरों को दान करना है, तो ये बढ़ते हैं, इनकी वृद्धि होती है। तो ऐसे ही यह स्थूल धन है, अब बाबा स्थूल धन के खजाने की बता रहे हैं, यह भी अगर ईश्वरीय कार्य में हर आत्मा के कल्याण के कार्य में वह अपनी उन्नति के कार्य में न लगाकर, ईश्वरीय कार्य में हर आत्मा के कल्याण के कार्य में और अपनी उन्नति में न लगाकर अन्य कोई स्थूल कार्य में लगाया तो व्यर्थ लगाया ना, क्योंकि संगम पर है, सब कुछ बाबा से दिया हुआ है, तो इस स्थूल धन को भी ईश्वरीय कार्य में लगाना है, कल्याण के कार्य में, आत्मा के कल्याण के कार्य में, उन्नति के कार्य में ना लगाकर कोई स्थूल कार्य में लगाया तो बाबा कहते हैं ये भी व्यर्थ गया। क्योंकि अगर ईश्वरीय कार्य में न लगाते हो में लगाते हो तो यह स्थूल धन का एक का लाख गुना बनकर प्राप्त होता है, और अगर यह व्यर्थ गवा दिया तो एक व्यर्थ नहीं गवाया लेकिन लाख व्यर्थ गवा दिया। इसी प्रकार जो संगम युग का सर्व खजाना है, उस सर्व खजाने को चेक करो कि कोई भी खजाना व्यर्थ तो नहीं जाता। ये महीनता से बाबा ने चेकिंग के लिए होमवर्क दे दिया हमें कि सर्व खजाने जो संगम पर हमें मिले हैं वो चेक करो कि कोई खजाना व्यर्थ तो नहीं जाता है। तो ऐसे कम खर्च बाला नशीब बने हो या अब तक अलबेले होने के कारण व्यर्थ गवा देते हो? जो अलबेले होते हैं वे व्यर्थ गवाते हैं। बाबा साथ साथ रिजल्ट ही दे रहे हैं कि जो अलबेले होते हैं वे व्यर्थ गवाते हैं, और जो समझदार होते हैं, नॉलेजफुल होते हैं, सेंसिबल होते हैं, समझदार, नॉलेजफुल और सेंसिबल, वह एक छोटी चीज भी व्यर्थ नहीं गवाते हैं। ऐसे के लिए कहा जाता है कम खर्च बाला नशीन। ऐसे हो, बारीकी से अपनी चेकिंग करनी है, महीनता से बाबा पूछ रहे हैं कि एक छोटी सी चीज भी व्यर्थ नहीं गवाना है, समझदार, नॉलेजफुल और सेंसिबल बनना है, तो ऐसे को कम खर्च बाला नशीन कहते हैं। ऐसे हो जैसे साकार बाप ने कम खर्च बाला नशी बन करके दिखाया, माने ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में कम खर्च बाला नशी बन करके दिखाया, तो क्या फॉलो फादर नहीं करना है? कोई भी स्थूल धन अगर स्थूल धन नहीं है तो जो यज्ञ निवासी है उनके लिए यह यज्ञ की हर वस्तु ही स्थूल धन के समान है। जो यज्ञ निवासी है, बाबा कहते हैं उनके पास स्थूल धन नहीं तो हर वस्तु ही यज्ञ की जो है वह स्थूल धन के समान है। अगर यज्ञ की कोई भी वस्तु व्यर्थ कमाते हैं तो भी कम खर्च बाला नशी नहीं कहेंगे। जो प्रवृत्ति में रहने वाले हैं स्थूल धन से अपना पद ऊंचा बना सकते हैं, वैसे ही यज्ञ निवासी भी अगर यज्ञ की स्थूल वस्तु कम खर्च बाला नशी बनकर यूज करें अपने प्रति व दूसरों के प्रति, उनका भी इस हिसाब से भविष्य बहुत ऊंच बनता है। ऐसे नहीं, स्थूल धन तो प्रवृत्ति वालों के लिए साधन है लेकिन
यज्ञ निवासियों के यज्ञ की सेवा भी, यज्ञ की वस्तु की, यज्ञ की सेवा भी और यज्ञ की वस्तु की एक नौमी रूपी धन स्थूल धन से भी ज्यादा कमाई का साधन है। ये भी अंडरलाइन करने की बात है, यज्ञ निवासियों के यज्ञ की सेवा भी, यज्ञ की वस्तु की इकोनॉमी रूपी धन, यज्ञ की सेवा भी धन है, यज्ञ की वस्तु की इकोनॉमी रूपी धन स्थूल धन से भी ज्यादा कमाई का साधन है। तो बाबा ने कहा कि जो यज्ञ के निवासी हैं, उन्हें हर यज्ञ की हर वस्तु को बहुत संभल कर यूज करना है, इकोनॉमी करके यूज करना है, और उनके लिए ये स्थूल धन के समान है, या सेवा भी जो है वो भी एक ये स्थूल धन के समान है, तो उसको भी उससे भी कमाई कर सकते हैं। माना यज्ञ की हर वस्तु को इकोनॉमी से यूज करना है। मान लो कहीं लाइट खुली हुई है, आप देख रहे हैं, और उसको बंद कर दिया तो आपने उसमें इकोनॉमी की, और देख करके अनदेखा कर दिया तो वो भी आपके खाते में चला गया, व्यर्थ के खाते में। तो इस तरह से हम बहुत सारी चीजें यज्ञ में यूज करते हैं, उसमें भी इकोनॉमी सिखाते हैं। बड़े हमारे जो आदि रतन है, उन्होंने भी ऐसे करके दिखाया, मम्मा ने करके दिखाया। इसलिए जब यज्ञ की एक भी चीज व्यर्थ रूप से लगाते हो, युवा संभाल करते हो, व्यर्थ से बचाव करते हो, तो समर्थी आती है। बाबा ने कहा कि कोई भी यज्ञ की चीज संभाल करते हो तो उसमें बचाव करते हो, व्यर्थ से बचाव करते हो तो समर्थी आती है भविष्य प्राप्ति के लिए। व्यर्थ से बचाव किया, अपना भविष्य बनाने की तो प्राप्ति हुई ना। इसलिए हर एक को अपने आप को चेक करना है, तो अपने को कम खर्च बाला नशी कितना बनाया है। व्यर्थ से बचो, समर्थ बनो, व्यर्थ से बचो, समर्थ बनो। जहां व्यर्थ है वहां समर्थ जरा भी नहीं, और जहां समर्थी है वहां व्यर्थ जावे यह हो ही नहीं सकता। इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर खजाना व्यर्थ जाता है तो समर्थी नहीं आ सकती। जैसे देखो कोई लीकेज होती है, कितना भी कोशिश करो लेकिन लीकेज कारण शक्ति भर नहीं सकती। तो व्यर्थ भी लीकेज होने के कारण कितना भी पुरुषार्थ करेंगे, कितना भी मेहनत करेंगे, लेकिन शक्तिशाली नहीं बन सकते। आप तो जमा कर रहे हैं लेकिन कहीं से लीकेज है कोई ना कोई खजाने की। तो बाबा कहते कितना भी पुरुषार्थ करेंगे, कितना भी मेहनत करेंगे, शक्तिशाली नहीं बन सकेंगे। इसलिए लीकेज को चेक करो। लीकेज को चेक करने के लिए होशियारी चाहिए। कई बार लीकेज तो मिलती नहीं है। बहुत होशियार होते हैं, नॉलेजफुल होते हैं, वह लीकेज को कैच कर सकते हैं। नॉलेजफुल नहीं तो लीकेज को ढूंढते रहते हैं। तो अब नॉलेजफुल बन चेक करो तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे। बाबा ने कहा नॉलेजफुल नहीं तो लीकेज को ढूंढते रहते हैं, अब नॉलेजफुल बन चेक करो तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे। समझा? अब बाबा मैसूर वालों से बात कर रहे हैं। अच्छा, मैसूर वाले क्या याद रखेंगे? माताएं सिर्फ याद की यात्रा में रहती है ना, क्योंकि भाषा को समझ नहीं सकती, उनकी भाषा अलग है। तो बाबा ने कहा वो सिर्फ याद में रहती है, भाषा को समझ नहीं सकती। यह तो याद रखेंगी ना, कम खर्च बालानाशी। बाबा ने कहा फिर भी भाग्यशाली हो, यह तो समझती हो सारे सृष्टि में हम विशेष आत्माएं हैं। बाबा ने प्रश्न किया कि यह तो समझती हो सारे सृष्टि में हम विशेष आत्माएं हैं। अच्छा, यह समझती हो कि यहां कई बार आए हैं, या समझती हो कि पहली बार ही आए हैं? कोई बंधन नहीं है तो अपने को भाग्यशाली समझती हो या दुर्भाग्यशाली समझती हो? बाबा सभी क्वेश्चन कर रहे हैं। निर्बंधन हो तो अपना भविष्य ऊंच बना सकती हो। आप तो डबल भाग्यशाली हो, एक तो बाप मिला, दूसरा भविष्य बनाने के लिए निर्बंधन बनी हो, और ही खुशी होती है ना। ऐसे तो नहीं
पता नहीं क्या है, दुख तो महसूस नहीं होता, दुख तो महसूस नहीं होता, सुख अनुभव करती हो ना। अच्छा हुआ जो निर्बंधन हो गई, ऐसे अपने को भाग्यशाली समझती हो, या कभी दुख दुख भी आता है और कोई साथ होगा तो टक्कर होगा। शिव बाबा अगर साथ है तो टक्कर भी नहीं होगा। संगम युग में लौकिक सुहाग का त्याग श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। संगम युग में लौकिक सुहाग का त्याग श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। आत्मा की प्रवृत्ति में यह संबंध नहीं है। बाबा ने कहा यह देह की प्रवृत्ति में संबंध है, लेकिन आत्मा की प्रवृत्ति में यह संबंध नहीं है। प्रवृत्ति में संबंध में तो नहीं आती हो, माना देह की प्रवृत्ति में संबंध में तो नहीं आती हो। अगर प्रवृत्ति में रहे आत्मा के संबंध में रहती हो तो अपना डबल भाग्य बना सकती हो। प्रवृत्ति में रहे आत्मा के संबंध में रहती हो तो अपना डबल भाग्य बना सकती हो। प्रवृत्ति में रहते देह के संबंध से न्यारी रहती हो। अब बाबा ने प्रश्न किया इसका कि प्रवृत्ति में रहते देह के संबंध से न्यारी रहती हो तो प्रवृत्ति में रहने वाले ऐसा भाग्य बना रहे हो। अच्छा, ओम शांति। अब सभी साइलेंस में रहेंगे, फिर मनन चिंतन करेंगे। एक मिनट साइलेंस में रहकर ब्रेकआउट रूम्स में। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आप सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने प्रवृत्ति में रहने वाले बच्चों को बहुत ही अच्छा बताया है कि जो लौकिक सुहाग का त्याग करते हैं इसमें ही भाग्य की निशानी है। तो हमें स्थूल में तो त्याग नहीं करना है, लेकिन बुद्धि से त्याग करना है उसका, क्योंकि आत्मा की प्रवृत्ति में ये संबंध ही नहीं है। ये बहुत गहरा महावाक्य है। अगर हम उसको डीप थिंकिंग करते हैं तो आत्मा का सिर्फ संबंध बाप से है और बाकी सभी आत्माओं से भाई भाई का संबंध है। तो अगर ये हमेशा हर सेकंड याद है तो हम अपना त्याग करके, देह बांध का त्याग करके हर सेकंड भाग्य बना सकते हैं। क्योंकि बाबा ने लास्ट लाइन में भी कहा कि प्रवृत्ति में रहने वाले ऐसा भाग्य बना रहे हो, तो देह के संबंध से हमें न्यारा ये रहना है। तो ये बाबा ने हमें विधि बताई है कि प्रवृत्ति में रहकर आत्मा के संबंध में रहना है तो हम डबल भाग्य बना सकते हैं, हमारा श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। ओम शांति जी। ओम शांति। हाँ जी बोलिए कविता। आज बाबा ने हम बच्चों को दो स्लोगन्स सदा याद रखने के लिए कहा। पहला तो अब नहीं तो कब नहीं, जो भी करना है हमें अभी करना है। जैसे मम्मा फॉलो करती थी, हमको भी फॉलो मदर करना है। और बाबा ने दूसरा स्लोगन बताया, कम खर्च बाला नशीन। तो बाबा ने कम खर्च बाला नशीन ये एक्चुअली चेकिंग के लिए बताया, क्योंकि हम खुद से ठीक तरीके से चेक कर सकते हैं खुद को
कहाँ कोई व्यर्थ तो नहीं गया। तो यहाँ चेकिंग के लिए बाबा ने 5 खजाने हाईलाइट किए, जो है समय, संकल्प, श्वास, अविनाशी, ज्ञान रतन और स्थूल खजाना। तो बाबा ने पहले कहा कि संकल्प जो है कहीं व्यर्थ तो नहीं जाते, ज्यादा हम खर्च तो नहीं कर देते। और बाबा ने कहा अगर समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प करते हैं तो उसकी प्राप्ति भी बहुत श्रेष्ठ होगी। तो हमें इस पे बहुत ध्यान देना है कि हम कितने थॉट्स चलाते हैं। जैसे लौकिक में रहते हैं तो बहुत सारे दिनचर्या में जो भी हम संपन्न संबंध संपर्क में आते हैं तो वहाँ हमको चेकिंग करनी है कि कहाँ हम ज्यादा तो नहीं सोचते किसी विषय के बारे में, किसी आत्मा के बारे में या कोई सिचुएशन के बारे में, तो वो चेकिंग करना है। और साथ ही समय जो है संगम युग का, तो बाबा ने ऑलरेडी कई मूल्यों में कहा है कि संगम युग जो है वो जमा करने का युग है, तो कमाई कमाई है हर सेकंड में। तो बाबा ने वही बताया कि अनेक जन्मों की कमाई का साधन ही है, इसलिए समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। और बाबा ने तीसरा जो खजाना कहा वो है श्वास का खजाना। तो बाबा ने कहा कि बाप की स्मृति अगर नहीं है तो समझो कि वो भी हमने व्यर्थ गवा दिया। और जब हम श्वास कहते हैं तो श्वास कितना ऑटोमेटिक होता है, उसके लिए हमको अटेंशन नहीं देना पड़ता। तो बाबा की स्मृति भी इतनी नेचुरल हो जाए कि कहीं कोई सेकंड व्यर्थ ही ना जाए, तो उससे भी उस पर भी हमें अटेंशन रखना है और उसकी भी चेकिंग करना है। और बाबा ने जो चौथा खजाना बताया ज्ञान रत्नों का, तो बाबा ने कहा कि हम मुरलियां तो सुन लेते हैं बहुत सारी और बहुत सारी क्लासेस भी सुन लेते हैं, जितना हमको मिला है वो जैसे अगर हमने किसी पॉइंट पे एटलीस्ट एक पॉइंट मुरली से साकार मिली है या व्यक्त मुरली है, जो भी है, अगर क्लासेस किसी महारथियों की भी सुनी है हमने, कोई एक पॉइंट जो हमको अच्छा लगता है, दिल को टच कर जाता है, तो एटलीस्ट उसके बारे में अगर हम मनन चिंतन करें तो वो खजाने व्यर्थ नहीं जाएगा और उससे जो खुशी की प्राप्ति है वो खुद को भी होगी, क्योंकि हमने उसका मनन चिंतन किया, उसकी प्रैक्टिकली उसका स्वरूप बने, तो हम दूसरों को भी वो इजीली अपने अनुभव की अथॉरिटी से उनको भी समझा सकते हैं, उनको भी धारण करा सकते हैं। तो बाबा ने ये बताया। और बाबा ने जो स्थूल धन की बात की लास्ट खजाना, तो बाबा ने कहा कि जैसे ये ईश्वरीय कार्य में या हर आत्मा के कल्याण के कार्य में या अपनी उन्नति के कार्य में अगर हमने नहीं लगाया, मगर कोई स्थूल कार्य में लगाया, तो वो भी समझो कि व्यर्थ गवाएं। क्योंकि अगर ईश्वरीय कार्य में यज्ञ में हम लगाते हैं तो एक का जो है लाख मिलता है। तो बाबा ने पांचवी ईश्वरीय खजाने के बारे में बताया, तो वही स्थूल धन को कैसे यूज करना है ईश्वरीय कार्य में। तो बाबा ने इन पांचों खजानों पर बहुत ही अटेंशन रखने के लिए कहा। और ये भी बाबा ने कहा कि अगर बच्चे अलबेले होते हैं तो इन सभी खजानों को व्यर्थ गवाते हैं, तो हमें बहुत ही समझदारी से, नॉलेजफुल होके, सेंसिबल बनकर, क्योंकि ये तीनों जो वर्ड्स हैं ये भी बहुत ही अंडरलाइन करने वाली है, क्योंकि समझदार ऐसे ही समझदार नहीं बनते हैं ना, जस्ट सुन लिया, मगर उसके बारे में सोचना और उसको प्रैक्टिकल में लाना और पूरा नॉलेज भी होना चाहिए हमको। ऐसे नहीं कि कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि हम जानते तो हैं कि हाँ बाबा ने बताया है, मगर फुल नॉलेजफुल, जैसे अगर मैं ये करूँगी तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इससे प्राप्ति क्या होगी, अगर मैं नहीं करती हूँ तो इससे कितना मेरा घाटा हो सकता है। और सेंसिबल भी इतना ही, क्योंकि हर चीज़ में सेंसिबल होना ही पड़ता है, अगर सेंसलेसली हम बिहेव करेंगे तो ऑब्वियसली उसका जो रिजल्ट है वो वेस्ट में ही जाता है। तो बाबा ने कहा कि व्यर्थ नहीं गवाओ। और जब ये सारे खजानों को हम ऐसे मेंटेन करेंगे कि कहीं कुछ व्यर्थ ना जाए, तब कहा जा सकता है कि कम खर्च बाला नश। ओम शांति। ओम शांति। अभी और भी शेयर कर सकते हैं, यज्ञ निवासियों के बारे में बाबा ने क्या कहा?
ओम शांति बहन। ओम शांति गीता बहन। हाँ जी बोलिए। गीता बहन आपने अनम्यूट किया? ये सुलोचना बहन। हाँ जी बोलिए दीदी। अच्छा यही संगम जो है जो भाग्य प्राप्त करने की है। अभी तो भाग्य बनाना, अभी तो भाग्य बनाया वह सारे कल्प में भोगना पड़ता है, चाहे श्रेष्ठ चाहे नीच, लेकिन यह संगम जो की है जिसे भाग्य बना सकते हो, जितना चाहो उतना ही बना सकते हो, क्योंकि भाग्य बनाना वाला साथ है, फिर साथ नहीं तो यह प्राप्ति रहेगा। प्राप्ति कराने वाला प्राप्ति प्राप्ति कराने वाला अभी है और प्राप्ति भी अब होनी है, अब नहीं तो कब नहीं, यह स्लोगन स्थिति में रखना है, तो आप कर लो। ओम शांति। ओम शांति। सुलोचना बहन आप बोलिए। ओम शांति। शांति। ओम शांति। बाबा ने ये कि निवासी के लिए कहा है कि अगर हम बाबा के यज्ञ में कोई धन नहीं दे सकते, कोई स्थूल धन नहीं दे सकते, तो कोई नाराज नहीं होना कि हम ही यज्ञ के निवासी, हमारा एक एक श्वास श्वास ही हमारा धन है। वैसे ही हर एक यज्ञ के वस्तु साधन के बचावट भी हमारा ही पूंजी में तो जमा होता है, इसलिए ये नहीं सोचो कि हमारा हमने ये धन नहीं दे सका, तो ये नहीं सोचो कि यज्ञ की हर वस्तु को बचावट करना भी ये हमारे खाता में ही रहेगा, तो वही अनुसार हमने यज्ञ में बत्ती हर चीज के अन्न वैसे वैसे वस्तु को कैसे हम बचावट करें और कैसे उसको सही तरीका से यूज करें, वे हमने सोचना है। वैसे भी हमारा श्वास श्वास ही हमारा बाबा की याद ही मेन हमारा खजाना है, इसके लिए मम्मा भी हमारा नंबर वन फॉलो मम्मा है, तो मम्मा को देखो और उसी को फॉलो करना ही हमारा मेन उद्देश्य होगा। अच्छा ओम शांति। ओम शांति जी। सुचित्रा बहन आप बोलिए। ओम शांति भाई जी। ये जो यज्ञ का आया है ना कि यज्ञ के भी हम ये कर सकते हैं कब खर्चा, तो हर गुरुवार को जो हमें भोग मिलता है बाबा के घर से, तो मैं आत्मा एक अपने घर से भी एक डब्बा ले जाती हूँ और वो जैसे ही दोने में देती है मैं वापस करके दीदी को दे देती हूँ। तो ये देख के बाकी लोगों ने भी चालू किया, तो दोने की भी बचत हम बाबा के घर में करते हैं। तो इसका एक मेरे को उदाहरण बताना था, बाबा ने टचिंग करी तो हर बार जैसे हर गुरुवार के भी हम बचाते हैं, तो कितने सारे सबके खाक घर में आके हम खाके फेंक ही देंगे ना उसको, तो इस चर्चा में अपना डब्बा ले गए और वो बाबा का भोग डालती उसमें और घर ले आते। ओम शांति। ओम शांति। आशा जी बीके आशा देवी बताइए आप बोलिए। आशा देवी आप बोलिए। आशा जी। हाँ ओके। अनम्यूट नहीं हो रहा था। बाबा ने यज्ञ के लिए यज्ञ निवासियों के लिए कहा है कि यज्ञ निवासी आप यज्ञ की स्थूल वस्तु कम खर्च वाला नसीब बनकर यूज करते हैं, अपने प्रति व दूसरों के प्रति उसका भी हिसाब से भविष्य बहुत ऊंचा बनता है। ऐसे नहीं कि स्थूल धन तो प्रवृत्ति वालों के लिए साधन है, लेकिन यज्ञ निवासियों के लिए यज्ञ की सेवा भी यज्ञ की वस्तु भी एक नामी रूपी स्थूल धन से भी ज्यादा कमाई का साधन है, बाबा ने यज्ञ निवासियों के लिए कहा है। और मैं जो बोलना चाहती हूँ दीदी वो ये है कि जिस तरह से यज्ञ की एक भी चीज व्यर्थ यथार्थ रूप में लगाते हो व संभाल करते हो, तो व्यर्थ से बचाव करते हो तो समर्थी आती है जो हमारे मन में व्यर्थ चलता है, तो भविष्य प्राप्ति के लिए भी व्यर्थ बचाव किया अपना भविष्य बनाने के लिए प्राप्ति हुई। इसलिए हरेक को अपने आप को चेक करना है कि हमने कम खर्च वाला नसीब कितना बना और बनाया है। व्यर्थ से बचो समर्थ बनो, जहाँ व्यर्थ है वहां समर्थी जरा भी नहीं रहती,
इसलिए जहाँ समर्थी है वहां व्यर्थ नहीं जाता है। तो अगर खजाना व्यर्थ जाता है तो समर्थी नहीं आती। तो बाबा ने कहा है कि जो शक्तिशाली होते हैं, जो होशियार बच्चे होते हैं बाबा के, वो बराबर चेक कर लेते हैं कि हमारी लीकेज कहाँ से हो रही है, तो लीकेज को कैच कर लेते हैं तो हम अपने व्यर्थ से बच सकते हैं। ओम शांति। जी ओम शांति। ओम शांति। पोल लॉन्च हुआ है, आप उसको भी लॉक कर सकते हैं। जी सुनिया बहन, आप होमवर्क दे सकते हो, 2-3 मिनट योग भी करा सकते हो। जी ओम शांति। आज के मुरली से होमवर्क है, आत्मा के अनादि आदि संस्कारों की स्मृति में रहना है, उनको उनका सोचना है कि मुझे आत्मा के आदि अनादि संस्कार, उनका दिन में 3-4 बार उनको सोचना है, उनको स्मृति में रखना है। और दूसरा होमवर्क है संगम युग पर हमें मनन चिंतन करना है। संगम युग पर बाबा ने हमें जो खजाने दिए हैं, क्या उनमें मैं कम खर्च, वो क्या क्या खजाने मिले और क्या उनमें मैं कम खर्च बाला नशी कितना हूं, लीकेज तो नहीं होती है उसमें, ये चेक करना है होशियार बनकर। तो ये हमारे 2 होमवर्क हैं आज के। अब हम योग करेंगे। ओम शांति। स्वयं को, सभी संकल्पों को समेटकर स्वयं को एकाग्र करें। भ्रिकुटी के मध्य में स्वयं को देखें, अपने सत्य स्वरूप को देखें। मैं शक्तिशाली आत्मा ज्योति बिंदु, स्वयं के स्वरूप को देख रही हूं। अपने अनादि स्वरूप में मैं परम धाम में भी अति पवित्र हूं और आदि स्वरूप परम पवित्र देवता स्वरूप भी है, उसमें भी मैं सतो प्रधान हूं, 7 गुणों से संपन्न हूं, संपूर्ण निर्विकारी स्वरूप में हूं। द्वापर युग से सत्य स्वरूप की विस्मृति के कारण इस झूठी माया, झूठी काया के वश होकर मैंने हर कर्म किया, हर कर्म करती रही, अपने संकल्पों को, वाणी की शक्ति को, समय को, श्वासों को व्यर्थ गवाती रही। वे अंदर ही अंदर अपने अविनाशी खजानों से खाली होती रही, दुखी अशांत हो गई, विकारों के वश हो गई। पर अब इस संगम युग पर परमपिता शिव द्वारा इस अलौकिक जन्म में मुझे पुनः अपने सभी खजाने जन्म जन्मांतर के लिए भरपूर करने का परम सौभाग्य मिला है। स्वयं भाग्य विदाता मेरा हो गया, स्वयं भोला भंडारी मुझ पर सर्व ज्ञान शक्तियों, प्रेम, पवित्रता, शांति, आनंद, सुख लुटाता जा रहा है। मैं अंदर से संपन्न होती जा रही हूं। स्वयं दाता भाग्य विदाता अपना सब कुछ लुटा रहा है। अब मैं इस अलौकिक अविनाशी खजाने को जरा भी व्यर्थ नहीं गवा सकती हूं। मैं अपने संकल्पों को भी व्यर्थ नहीं गवाती हूं। सोच समझ कर हर शब्द,
उच्चारण करती हूँ। कम शब्दों में मेरे भाव स्पष्ट हो रहे हैं। एक एक संकल्प मेरा समर्थ और शक्तिशाली बन गया है। आंतरिक आत्मिक स्थिति, संपन्न स्थिति मेरे कर्मों को भी शक्तिशाली बनाती जा रही है। बाबा से निरंतर जुड़कर देह अभिमान का त्याग कर, कम मेहनत में बाबा के स्नेह में खोकर, प्राप्ति कर्मों में ज्यादा है। इस कम खर्च बालानशी की स्थिति को मैं फील करती जा रही हूँ, बाबा से भरपूर होती जा रही हूँ। इस संगम युग श्रेष्ठ प्राप्ति करती जा रही, निरंतर बाबा की किरणों के नीचे स्वयं को देखेंगे। ओम शांति। शुक्रिया सभी का, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, बहुत अच्छा पूरी चलाई बाबा ने, बहुत अच्छी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, शुक्रिया। गुड मॉर्निंग शुभ बाबा, शुक्रिया बाबा।